बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी बैंक का सीएसपी, किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं, चाहे उनको एसबीआई बैंक का मिनी ब्रांच दिलवा दो, या फिर उन्हें पंजाब का दिलवा दो, या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का दिलवा दो, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का सीएसपी पॉइंट दिलवा दो, वो लेने के लिए तैयार है। और इसी के चलते वो क्या करते हैं, वो कई सारे लोगों से कॉन्टेक्ट करते हैं, कई सारे लोग उनको विश्वास भी दिला देते हैं कि आप हम जो बता रहे हैं उस वाले प्रोसेस को फॉलो करो, या फिर आप हमें पैसे दो और हम आपको आपकी जो लोकेशन है उस वाली लोकेशन में आप जिस भी बैंक का सीएसपी लेने के लिए बोलोगे हम आपको उस वाली बैंक का बीसी पॉइंट दिलवा देंगे। और इसी के चलते जो लोग बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं वो ऐसे फ्रॉड लोगों के झांसे में आ जाते हैं और उनको पैसा दे बैठते हैं, और फिर क्या होता है कि वो वहां पर अपना पैसा गवा बैठते हैं और वहां पर उनको किसी भी प्रकार का सीएसपी पॉइंट, किसी प्रकार का मिनी ब्रांच या किसी प्रकार का बीसी पॉइंट नहीं मिलता है। तो आज का यह वीडियो परफेक्ट उन लोगों के लिए है जो किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हैं, किसी भी बैंक की मिनी ब्रांच खोलना चाहते हैं, किसी भी बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी बैंक का सीएसपी पॉइंट, किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट, किसी भी बैंक का सीएसपी सेंटर किस प्रकार से ओपन कर सकते हो। यहाँ पर जो मैं आपको अप्लाई करने का तरीका बताने वाला हूँ, यह जो तरीका है सभी बैंकों के लिए सेम रहेगा, चाहे आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनी ब्रांच लो, या फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का मिनी ब्रांच लो, या फिर आप पंजाब नेशनल बैंक का मिनी ब्रांच लो, या फिर आप एचडीएफसी का लो, एक्सिस का लो, सभी बैंकों का जो यहाँ पर अप्लाई प्रोसेस है या फिर जो इसको लेने का तरीका है वो सभी का सेम रहेगा। अगर आप भी किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट, किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच, किसी भी बैंक का सीएसपी सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखें। इस वाले वीडियो में आज आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ कि क्या मैं आपको यहाँ पर बीसी पॉइंट दे सकता हूँ, या फिर मेरे अलावा कई ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं कि वो आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट दिलवा देंगे, या फिर वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी कंपनी है जो आपको बीसी पॉइंट दिलवा देगी। तो क्या यह बात सच है, कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन या फिर कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट दिलवा सकती है या नहीं? तो इसका जो जवाब है वो है नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसा थर्ड पार्टी पर्सन या कोई भी ऐसी थर्ड पार्टी कंपनी जो आपको दावा कर रही है कि वो आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट दिलवा देगी, तो ये 100% गलत है। ऐसा कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन नहीं है या फिर ऐसी कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है जो डायरेक्ट आपको बिना बैंक की परमिशन के आपको किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट दिलवा दे। अगर आप ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो बीसी पॉइंट लेने का जो तरीका है, किसी भी बैंक का आप मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो इसका जो लीगली तरीका है वो क्या है, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हो, सबसे पहले यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए एसबीआई बैंक को यहाँ पर ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र या इसका जो मिनी ब्रांच है वो आप लेना चाहते हो, तो इसको लेने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो इस वाले बैंक का मिनी ब्रांच लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी जो लोकेशन है, आपका जो एड्रेस है, उस वाले एड्रेस में जो आपकी एसबीआई बैंक की ब्रांच है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक का जो बैंक है, उस वाले बैंक में आपको जाना है और वहां का जो मैनेजर होता है, मैनेजर से आपको कॉन्टेक्ट करना है और मैनेजर को आपको बताना है कि सर मेरी यह लोकेशन है, मेरा यह एड्रेस है और मैं इस वाले एड्रेस पर आपका जो बैंक है इसका मिनी ब्रांच या इसका जो सीएसपी सेंटर है वो मैं लेना चाहता हूं। अगर बैंक आपको यहां पर एग्री कर देता है, अगर बैंक कह देता है, जो बैंक का मैनेजर है वो आपको बोल देता है कि हम आपको यहां पर बीसी पॉइंट देने के लिए तैयार हैं, या फिर आप हमारे बैंक से इसका मिनी ब्रांच ले सकते हैं, तो आपको यहां पर इसका बीसी पॉइंट मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। या फिर यह मान लीजिए कि अगर बैंक मैनेजर यहां पर एग्री हो जाता है, वो आपको बीसी पॉइंट देने के लिए मान जाता है, तो आपको आपका जो बैंक का मिनी ब्रांच है वो आपको 100% मिल जाएगा। बात करते हैं कि अगर बैंक वाले ने इसके लिए मना कर दिया, मतलब बैंक मैनेजर ने इसके लिए मना कर दिया कि हम आपको यहां पर बैंक बीसी नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बैंक बीसी है, या फिर किसी भी कारण से वो मना कर देते हैं कि आपको बैंक बीसी हम नहीं दे सकते, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है या फिर ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है या फिर ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो आपको यहां पर इसका बीसी पॉइंट दिलवा दे, क्योंकि बिना बैंक की परमिशन के, बिना बैंक मैनेजर की परमिशन के आप किसी भी बैंक का बीसी पॉइंट किसी भी पर्सन के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के थ्रू या किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के थ्रू नहीं ले सकते। जब तक आपके लोकेशन में आपका जो बैंक है आपको बीसी पॉइंट देने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक आपको किसी भी कंडीशन में आपकी लोकेशन में बीसी पॉइंट नहीं मिल सकता। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपको बीसी पॉइंट देने के लिए
एग्री हो जाता है तो आपको बीसी पॉइंट लेने के लिए क्या करना है। तो जैसे ही आपका बैंक मैनेजर बीसी पॉइंट देने के लिए एग्री हो जाता है तो उनसे आपको पूछना है कि सर मैं बीसी पॉइंट ले रहा हूं तो मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर मेरे में कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे मैं इसका बीसी पॉइंट ले सकता हूं। तो जो आपका बैंक मैनेजर होता है वो आपको सारी बातें बता देता है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको लेके वहां पर आपका जो बैंक मैनेजर है वहां पर आपको सबमिट करवा देने हैं। उसके बाद आपका जो बैंक मैनेजर है वो आपको आगे की प्रोसेस बता देगा। तो यहाँ पर जो बैंक बीसी लेने का जो तरीका है वो सिर्फ यही है कि आप जिस भी बैंक का बीसी पॉइंट लेना चाहते हो, जैसे आप SBI का लेना चाहते हो या फिर पंजाब का लेना चाहते हो या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा का लेना चाहते हो या फिर HDFC का लेना चाहते हो, किसी भी बैंक का आप बीसी पॉइंट लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको आपका जो नियरेस्ट ब्रांच है, जो आपकी बैंक है, उस वाली बैंक में जाकर आपको बैंक मैनेजर से बात करनी है। अगर बैंक मैनेजर आपका एग्री हो जाता है तो आपको बिल्कुल इजीली तरीके से 100% आपका बीसी पॉइंट मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कोई थर्ड पार्टी पर्सन या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर थर्ड पार्टी कंपनी अगर आपको बोलती है कि आपको ब्रांच से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको बिना परमिशन आपकी लोकेशन में किसी भी बैंक का CSP सेंटर ओपन करवा देंगे, तो यह बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है या फिर कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है या फिर कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो आपको डायरेक्ट बिना बैंक की परमिशन के किसी भी बैंक का CSP सेंटर ओपन करवा दे। अगर आप ऐसे लोगों के झमेले में आते हैं तो वहां पर आप अपना पैसा वेस्ट करोगे, इसके अलावा आपका काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। तो किसी भी बैंक का जो CSP सेंटर है उसको किस प्रकार से ओपन किया जाता है, उसको लेने का प्रोसेस क्या है, उसका जो कंप्लीट लीगल प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपको बीसी पॉइंट लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपका किसी अदर टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए डायरेक्ट हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमें डायरेक्ट वहां पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि जो भी हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करता है हम उनका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं।